80 के दशक में टीवी पर एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, मालगुडी डेज। इस सीरीज की कहानियों में एक अहम किरदार था स्वामी, जिसकी कहानियां काफी इंस्पायरिंग होती थीं। स्वामी का ये किरदार उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था और इस किरदार को मास्टर मंजुनाथ यानी मंजुनाथ नायकर ने निभाया था। इस किरदार की बदौलत मंजुनाथ स्टार बन गए थे और आज भी जब मालगुडी डेज की बात होती है तो जेहन में स्वामी का चेहरा ही आता है। लेकिन इस हिट शो के बाद मंजुनाथ सभी के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन गए थे। मंजुनाथ ने 3 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब उन्हें मालगुडी डेज मिला उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे। उस वक्त तक वो 32 फिल्में कर चुके थे। मंजुनाथ की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर और सनी देओल तक के साथ काम किया। फिल्म अग्निपथ में मंजुनाथ ने अमिताभ के बचपन का किरदार यानी विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया और इस किरदार के लिए मंजुनाथ की खूब तारीफें हुई। धीरे धीरे मंजुनाथ कमर्शियल फिल्मों के लिए सभी के चहेते स्टार बन गए, लेकिन इसके बाद मंजुनाथ अचानक ही स्क्रीन से गायब हो गए। लेकिन आज मंजुनाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मंजुनाथ बैंगलोर में हैं और वो वहाँ एक पीआर कंपनी चला रहे हैं। वहाँ मंजुनाथ ने पहले एक कंपनी में पीआर के तौर पर काम किया, जिसके बाद उन्होंने खुद की पीआर कंपनी खोल ली। मंजुनाथ नायकर के नाम ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके आगे बॉलीवुड की खान फेल है।